आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, आजम खान ने अपनी घटिया टिप्पणी के लिए लोकसभा में माफी मांगी, बीजेपी सांसदों का हंगामा। प्रधानमंत्री ने विश्व बाघ दिवस पर बाघ गणना के आंकड़े किए जारी, देश में 3000 बाघ। आतंकवादियों का मददगार पकड़ा गया, सीधी का सौरभ शुक्ला था आतंकवादियों का सहयोगी। पानी पानी हुआ देश, मध्य प्रदेश में भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मांगता है पोस्टमार्टम के लिए रुपए, डॉक्टर का हुआ वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बीजेपी सांसद रमादेवी पर विवादित टिप्पणी के लिए लोकसभा पटल में माफी मांग ली है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आजम खान ने लोकसभा स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनके बयान से उन्हें तकलीफ पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं। इतना बोलने के बाद आजम खान बैठ गए, लेकिन बीजेपी के सांसद हंगामा करने लगे। बीजेपी के सांसदों ने आजम खान के हाव भाव पर सवाल उठाए। इस दौरान सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने उन्नाव रेप पीड़िता के हादसे का मामला उठाया और कहा कि बीजेपी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा उठपटांग बोलने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की अक्ल अब ठिकाने पर है। लोकसभा में आजम खान ने अपनी घटिया टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने अखिलेश यादव की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान को दोबारा रमादेवी से माफी मांगने के लिए कहा। स्पीकर के निर्देश के बाद आजम खान ने एक बार फिर कहा कि रमादेवी उनकी बहन जैसी हैं। अगर उनके बयान से उन्हें तकलीफ हुई है तो वे माफी मांगते हैं। आजम खान की माफी के बाद रमादेवी ने कहा कि उनके व्यवहार से देश को दुख पहुंचा है। रमादेवी ने कहा कि आजम खान की आदत सुधारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजम खान सदन के बाहर भी ऐसा बयान देते रहते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे। ओम बिरला के कार्यालय में बीजेपी सांसद रमादेवी भी मौजूद थी। बता दें कि 25 जुलाई को आजम खान ने सदन में रमादेवी पर विवादित टिप्पणी की थी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि महिला सांसदों के सम्मान को ठेस पहुंची है और उनका अपमान हुआ है, इसीलिए आजम खान को ठीक ढंग से माफी मांगनी चाहिए। माननीय, मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसके क्षमा चाहता हूँ। विश्व बाघ दिवस के मौके पर देश को बाघों को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बाघों को लेकर कराई गई गणना से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार देश में अब 3000 बाघ है। बाघों की जनगणना का काम वर्ष 2018 से ही चल रहा था, जो हाल ही में पूरा हुआ है। विश्व बाघ दिवस पर रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम अपने बाघों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। बाघ गणना के आंकड़े हर भारतीय को खुश करने के लिए काफी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौ साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में तय किया गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी की जाएगी, लेकिन हमने यह टारगेट 4 साल में ही पूरा कर दिया है। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early.
स्पीड एंड डेडिकेशन विथ विच वेरियस स्टेक होल्डर्स वर्क टू अचीव दिस इज रिमार्केबल. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ संकल्प से सिद्धि. वंस द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड टू डू समथिंग There is no force that can prevent them from getting the desired results. कश्मीर में इस समय पाकिस्तान परस्त नेताओं की हालत पतली है. इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 35 ए के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को हाथ लगाने के बराबर होगा. उन्होंने कहा कि हाथ 35 ए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा. महबूबा इस समय कश्मीर में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है. जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना 20वां स्थापना दिवस मना रही है. इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक कश्मीर की रक्षा करेंगे, पीडीपी कभी समाप्त नहीं होगी. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लिए शहीद हुए लोगों को याद करने की जरूरत है, हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है. चुनाव आते हैं और चले जाते हैं लेकिन असली लड़ाई जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए लड़ना है. हम राज्य की स्थिति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे. 35 ए के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा. जो हाथ 35 ए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा. महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमने केंद्र सरकार से कहा है कि दिनेश्वर शर्मा को मध्यस्थ बनाया जाए. हमने रमजान में संघर्ष विराम सुनिश्चित कराया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी लेकिन दूसरे पक्ष से ऐसा कुछ नहीं हुआ. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपने पास जो है उसे कश्मीरियों को रक्षा करनी चाहिए. हमारे पास संविधान है, हमारे पास ऐसा दर्जा है जिससे बाहरी लोग यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते. आज हालात ऐसी है कि घाटी में डर का माहौल है. जम्मू कश्मीर बैंक को समाप्त कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश एटीएस ने प्रयागराज से सौरभ शुक्ला नाम के युवक को पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने के मामले में गिरफ्तार किया है. सौरभ मध्य प्रदेश के सीधी के जिले का रहने वाला है और प्रयागराज में रहकर बीए की पढ़ाई कर रहा था. सौरभ ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की मदद करते हुए उसके लिए अलग अलग अकाउंट में पैसे जमा करे थे. उत्तर प्रदेश एटीएस को खबर मिली थी कि एक सौरभ शुक्ला नाम का लड़का आतंकी संगठनों को पैसे पहुंचाता है. मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि प्रयागराज में बीए की पढ़ाई कर रहा सौरभ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की मदद करता है. मध्य प्रदेश सीधी का रहने वाला है. इस बीच सौरभ शुक्ला गायब हो गया. पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा. सौरभ के पिता टीचर हैं और पूरा परिवार सीधी में ही रहता है. पुलिस के अनुसार युवक लगातार फोन और इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में अपने बैठे हैंडलर्स के संपर्क में रहता था. इनमें अलग अलग बैंक खातों में पैसे मंगवा कर आतंकियों तक इसे सप्लाई करता था. प्रयागराज से सौरभ को पकड़ा गया है. लगातार हो रही तेज बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हालत काफी खराब है. गांव के कच्चे मकान टूट चुके हैं, पक्के मकानों में पानी घुस चुका है जिसकी वजह से लोग छत पर रहने को मजबूर हैं. लगातार बारिश की वजह से एक तालाब फट गया और गांव में 8 से 9 फीट पानी भर गया. लोग पानी में फंस गए जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया. कई मवेशियों की मौत हो चुकी है. मालवा निवाड़ इलाके में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. शाजापुर जिले के काला पीपल मंडी में शनिवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से आसपास के गांव के हालात खराब हो चुके हैं. खोकरा कला गांव में भारी बारिश के कारण घरों में पानी भर गया है. यहां घरों का निचला हिस्सा पूरी तरह डूब गया है. लोग छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं या फिर घरों की दूसरी मंजिल पर या फिर दूसरों से आसरा लेने के लिए मजबूर हैं. इंटरनेट और विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है. गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं. लगातार बारिश होने और पास के गांव में तालाब फूटने से 8 से 9 फीट तक पानी भर गया है. गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. कलेक्टर एसपी भी मौके पर पहुंच गए. जिले में पिछले 24 घंटे में 177 मिलीमीटर यानी 7 इंच बारिश हो चुकी है. आगरमालवा जिले में पिछले 24 घंटे में 74.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. नलखेड़ा में 4 इंच बारिश हुई है.
मंदसौर के मल्हारगढ़ में 12 घंटे में 8.5 इंच बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों में 30 से अधिक मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। 3 कच्चे मकान धराशायी हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों के बाहर खड़ी टेवेरा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जनरेटर तक बह गए। 10 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। मंदसौर में आफत बनकर आई बरसात से जिले में बस्तियों में पानी भरने पर प्रशासनिक अमला प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा। नारायणगढ़ में भी लाखों का नुकसान हुआ है। करीब 10 मकान ढह गए। मल्हारगढ़ क्षेत्र में गाड़गिल सागर के 4 और रतलम बैराज के 24 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। सीहोर कंजरखेड़ा डैम ओवरफ्लो होने की वजह से गांव का सड़क से संपर्क टूट चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर तालाब पार कर गांव में जाने को मजबूर हो गए हैं। सीहोर में तेज बारिश के चलते ग्राम करंज खेड़ा डैम ओवरफ्लो हो गया है। आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों के नाले पुल उफान पर आ गए हैं। ग्राम करंज खेड़ा में तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाँव तक पहुँचने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर भरे तालाब को पार कर रहे हैं। शहर के सीवन नदी के पास लगा विशालमय पेड़ एक कार पर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सरकार, आपके मुताबिक यह वक्त बदलाव का है। आपको तबादलों से फुर्सत मिल गई हो तो हुजूर एक नजर आदिवासियों गरीब गुरबों के स्कूल पर डाल लें। अधिकांश सरकारी स्कूलों के हाल किसी से छिपे नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गांव में स्कूलों के हाल क्या है। देखिए झोपड़ी वाले स्कूल, जहां स्कूल भवन ही नहीं है वहां बाकी सुविधाओं की बात करना बेमानी है। अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कुछ बदलना है तो पहले इन स्कूलों के हाल बदलिए, फिर देखिए मध्य प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यह खबर यकीनन सरकार के उस हर शख्स के लिए है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर ये वक्त बदलाव का है तो मध्य प्रदेश की इस नीरस तस्वीर को बदल दीजिए। आने वाले कल का भविष्य यहाँ तैयार हो रहा है। इन झोपड़ियों में बहुत सारे सपने आते हैं और दम तोड़ देते हैं। यह तस्वीर बताती है कि नेताओं की नेतागिरी सिर्फ वोट लेकर सत्ता में काबिज रहने से ज्यादा नहीं है, और फिर सरकार भी इनकी सुध क्यों ले। इन झोपड़ियों में पढ़ने वाले बच्चे एक तो वोटर नहीं है और दूसरे ये किसी बड़े नेता और अधिकारी के बच्चे भी नहीं। इन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल दिया जाए। हुक्मरानों, क्या आप अपने वातानुकूलित कक्ष छोड़कर सरकार इन झोपड़ियों से चला सकते हैं? क्या सचिवालय और मंत्रालय इन झोपड़ियों में शिफ्ट हो सकता है? नहीं ना, फिर प्रदेश के नन्हे भविष्य को किस बात की सजा दी जा रही है? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। देखिए बुरहानपुर के बुरपानी पाल्या गांव का यह स्कूल, बारिश में टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। आजादी के 70 साल बाद की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। बुरहानपुर के 50 किलोमीटर दूर बसा आदिवासियों का ये गांव विकास की बाट जो रहा है। यहाँ ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का हाल आपने देख ही लिया है। यहाँ लगता है कि शिक्षा व्यवस्था सरकार भरोसे नहीं, राम भरोसे है। हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो स्कूल बने हैं सरकारी और नए मतलब आंगनवाड़ी है। और दूसरी बात क्या है कि मतलब कोई सौदा नहीं है बच्चे के लिए, तो और मकान मतलब गिर जाएंगे बच्चे पर तो फिर उनके कौन वारिसदार रहेंगे। फिर दूसरी बात है, लाइन भी नहीं है यहाँ पे, लाइन भी नहीं है। लाइन आने की मतलब हो गई थी मंजूर, हाँ, ये रोड भी खरंजा भी नहीं बना है। फिर खरंजा के लिए मतलब हमने बोला था कि भाई खरंजा बना दो, ये भी नहीं बने। फिर 10 साल से स्कूल मंजूर हुई थी यहाँ पे, तो स्कूल भी नहीं बने 10 साल से, कि बोले कि हो बन जाएंगे तुम्हारे लिए। क्या बोलते लोगों ने कि बन जाएंगे तुम्हारे लिए स्कूल, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। काय को बच्चे पढ़ेंगे, वो मकान मतलब उधर जाएंगे, ऐसे हो गए। जब बच्चे पर गिर जाएंगे, जब मतलब सरकार बोलेंगे कि अरे यार ये तो मकान गिर गया बच्चे पर, ये बताएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए भोपाल के पास सीहोर के आदिवासियों के नवलगांव पिपलिया की प्राथमिक शाला का हाल। हुजूर, स्कूल चले हम खूब पढ़े आगे बढ़े, यह बातें सरकारी दस्तावेजों में अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इसका जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश के झोपड़ी वाले स्कूल। ये झोपड़ी वाले स्कूल सिस्टम की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। ये बताते हैं कि इन ग्रामीणों की आवाजें हुक्मरानों, एसी दफ्तरों तक
नहीं पहुंच पाती। यहां लोगों ने चंदा करके कुछ बांस खड़े करके कवेलू रखकर अपने बच्चों के बैठने के इंतजाम किए। सर पीपलिया सितंबर 2013 से संचालित हो रहा, मतलब शासन के निर्देश अनुसार उसको अपने अलग मजरा टोला में स्वीकृत होगा था वो भवन शाला संचालित हो रही थी। तो इसमें अभी तक भवन क्यों नहीं बन पाया? सर वहाँ पे डीपीसी साहब भी आए, डीपीसी साहब ने भी उनका यहाँ से निरीक्षण किया, लिख ले गए, इसके बाद भी नहीं हुआ। और हमने भी बार बार प्रस्ताव SMC का वरिष्ठ कार्यालय को दिया, इसके बाद भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। और हमारे ग्राम के जन सहयोग से हमने कुछ कबेलुआ वहाँ पे चला के अभी वर्तमान में संचालित हो रही शाला। वहाँ नवलगांव पीपलिया की जो प्राथमिक शाला है वो 2013 से संचालित हैं, और भवन निर्माण के लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा है और इससे पूर्व भी अवगत किया गया है। और जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलती है हमें तो निश्चित रूप से भवन शीघ्र ही निर्माण करा दिया जाएगा और बच्चों को एक नए भवन की सौगात मिलेगी। जब स्कूल ही झोपड़ी में है तो बाकी बुनियादी सुविधाओं की बात करना बेमानी है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और खासकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बदलाव के लिए छटपटा रही है। हुजूर कुछ कीजिए, सरकार के लिए जोड़ तोड़ और अपने पक्ष की जोड़ बाकी में आप जितने दक्ष हैं उतनी दक्षता इन झोपड़ी नुमा स्कूलों के लिए दिखाई, मध्य प्रदेश आपका आभार मानेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक ऐसा जिला जिसे पूर्ण साक्षर जिले का तमगा मिला है, मगर इस पूर्ण साक्षर जिले के शिक्षकों का ज्ञान देखिए आप भी अपना माथा पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 1992 में नरसिंहपुर जिले को प्रदेश के पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जिला मुख्यालय पर साक्षरता स्तंभ का अनावरण करते हुए इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब यह साक्षरता का गौरव और वाहवाही जमीनी स्तर पर धूमिल नजर आती है। नरसिंहपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण साक्षर जिले का तमगा मिला है, लेकिन वहां अज्ञानता का कैसा अंधेरा है ये नरसिंहपुर के तमाम शिक्षकों के ज्ञान से साफ पता चलता है। इनकी अज्ञानता का भी अलग अंदाज है। सन 1992 में नरसिंहपुर जिले को प्रदेश के पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जिला मुख्यालय पर साक्षरता स्तंभ का अनावरण करते हुए इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब यह साक्षरता का गौरव और वाहवाही जमीनी स्तर पर धूमिल होती नजर आ रही है। किसे पता था कि 27 साल बाद पूर्ण शिक्षित जिले को मिले इस गौरव की नई कहानी यहाँ के शिक्षक लिख रहे हैं। पूर्ण शिक्षित जिले की शिक्षा को किस तरह नया आयाम दिया जा रहा है यह इस रिपोर्ट में सामने आ रहा है। साक्षरता का गौरव और वाहवाही जमीनी स्तर पर धूमिल होती नजर आ रही है। राज्य शासन ने जब रिजल्ट आए थे इसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट लिए हैं जिन टीचर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है,
और टेस्ट लिए हैं। टेस्ट में मुझे जैसी जानकारी दी गई है कि कई लोगों ने मेहनत करी है फिर उसके बाद पास हो गए। यदि टीचर्स की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो ये निश्चित तौर से चिंता की बात है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी से इसमें डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या उनको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। डाइट के माध्यम से हमारी ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं, पर्याप्त बजट हमारे पास है, पूरा इंफ्रा हमारे पास है। यदि ट्रेनिंग में कमी है तो ट्रेनिंग कराएंगे। कुछ लोगों की हो सकता है कि उनकी मनोदशा ही ऐसी हो, काम करना ही नहीं चाहते हो, यदि वैसा है तो राज्य शासन के जो निर्देश जारी हुए हैं 20-50 की श्रेणी में और अन्य जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती वैसी कार्रवाई करने में भी हम परेश नहीं करेंगे। जब हमारी टीम ने जिले में साक्षरता के संबंध में पड़ताल की तो पता चला कि जिले के शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता ही आधी अधूरी है। जब शिक्षकों से सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे गए तो जिले में ऐसे शिक्षक मिले जिन्हें भारत के शिक्षा मंत्री कौन है ये तक नहीं पता है। भारत के शिक्षा मंत्री तो छोड़िए, उन्हें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बारे में भी नहीं पता है, उनका नाम तक नहीं जानते हैं। और आगे पड़ताल की तो जिले से ही चुनकर आए मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का नाम तक नहीं जानते ये लोग। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, मगर इनके लिए मुख्यमंत्री अभी तक शिवराज सिंह चौहान ही हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री प्रदेश के कौन हैं इसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। वहीं शिक्षा मंत्री कमलनाथ बता दिए। एक शिक्षक ने तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना डाला। हमारी टीम ने जब आगे बढ़कर शिक्षकों से और पूछने का प्रयास किया तो पता चला कि शिक्षक सही ढंग से हिंदी तक नहीं लिख पा रहे हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखने को क्या कहा, मानो जुल्म ही कर डाला। शिक्षक आशीर्वाद, आविष्कार, मंत्रिमंडल, दंपति, सांसारिक जैसे शब्दों की वर्तनी तक नहीं लिख पा रहे हैं। मंत्री का क्या नाम है? अभी प्रेजेंट प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर देश के नहीं मालूम सर, मध्य प्रदेश के जरूर है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है। देश के शिक्षा मंत्री आप नहीं पता है? पहले शिक्षा मंत्री देश के। अच्छा, पहले शिक्षा मंत्री। अभी के तो आपको पता नहीं, पहले शिक्षा मंत्री। अच्छा, पहले की बात कर रहे हैं, पहले अपने भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। अपने का नाम क्या है, मौलाना अबुल कलाम, नहीं मौलाना कलाम साहब, क्या नाम है उनका पूरा नाम सर? क्या नहीं नहीं कोई नहीं नहीं मालूम है मुझे, एक मिनट सुनिए तो। क्या है कि वो मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं आ पा रहा है। मैडम आप ये बताइए, जो स्पेलिंग आपने लिखे हिंदी में, क्या ये सही है? सर सांसारिक मतलब वो रा जो आगे लगता है उसमें कंफ्यूजन है सर, आशीर्वाद में आशीर्वाद है ना, रा आगे लगा है तो कंफ्यूजन है कि बाकी ऊपर लगे कि आरसी उसके ऊपर। क्या गलत है मैम, आप शिक्षिका हैं। हाँ ना, आशीर्वाद रा का उच्चारण जो अक्षर रहता है उसके आगे आता है, मतलब रे का जो रहता है ना, सांसारिक हो सकता है। आशीर्वाद का तो क्लियर है कि वो राज जो आएगा बाकी पहले आएगा, सांसारिक हाँ जो जे है क्लियर, ये भी सही है। हाँ जी सही है, दंपति सही है। यहाँ पर मैं नरसिंहपुर जिले में अभी 6 जुलाई को ही मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, और जो मुझे चीज़ आप लोग बता रहे हैं निश्चित रूप से इसकी ओर मैं बहुत अधिक ध्यान दूंगा और मेरा ये प्रयास भी होगा। ये बात सही है आपकी कि हमारे चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, इनमें अलग अलग क्षेत्रों में चाहे वो ब्रिज कोर्स हो, चाहे दक्षता उन्नयन हो, इन सभी के लिए प्रशिक्षणों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये अपेक्षा की जाती है कि सभी शिक्षक अपने अपने शालाओं में जो गुणवत्ता का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, इसको बहुत अच्छा प्राप्त करें। लेकिन जो इस प्रकार की आप बातें बता रहे हैं इसमें निश्चित रूप से मैं संज्ञान में लाऊंगा और आप लोगों का सहयोग इसमें चाहूंगा कि समय समय पर आप ये मुझे ज़रूर ज्ञात कराएं, जिससे कि मुझे वास्तविक स्थिति में अवगत हो सकूँ और मेरे द्वारा जो निरीक्षण किए जाएंगे उसमें जो चीज़ें होगी तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। जब हमारी टीम ने एक शिक्षक से आविष्कार लिखने को कहा तो मास्टर जी ने नया ही आविष्कार कर दिया। मास्टर जी यहाँ भी फेल हो गए और सही नहीं लिख पाने पर बगले झांकने लगे। मास्टर जी के इस नए आविष्कार को देख आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि पढ़ा वो रहे थे और बार बार पूछ हमसे रहे थे। शिक्षकों का ज्ञान कितना है इंग्लिश तो छोड़िए, ये सही से हिंदी तक नहीं लिख पा रहे हैं। अगर ऐसे शिक्षकों के हाथों में देश के भविष्य की बुनियाद रखी जाएगी
तो क्या पता इससे बनने वाली इमारत कितने दिन खड़ी रहेगी। देश की शिक्षा का ये हाल है कि सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आता है। भले ही सरकार शिक्षा के प्रति कितनी भी योजनाएं चला ले, लेकिन कितने भी प्रशिक्षण दे दे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका परिणाम शून्य ही मिल रहा है। अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। लंबे समय से अटकी शिकायतों को जल्द निपटाने के लिए एक स्पेशल सेल की टीम बनाई गई है। इस सेल की विशेष बात यह है कि इसमें शिकायतों पर तत्पर सुनवाई कर एक्शन किया जाएगा। स्पेशल सेल के माध्यम से लोग पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों की शिकायतें भी कर सकेंगे। अगर किसी भी विभाग में आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो या बहुत दिनों से आपका कोई मामला लंबित पड़ा हो, तो अब स्पेशल सेल आपके लिए है और इसमें शिकायत आप कर सकते हैं। पीड़ित पक्ष की तुरंत सुनवाई और न्यायोचित कार्यवाही के उद्देश्य से जगदलपुर SP दीपक झा ने स्पेशल सेल बनाया है। इसमें लंबे समय से अटकी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। पुलिस विभाग के अलावा और भी विभागों की शिकायतें भी लोग इस सेल में कर सकते हैं। दीपक झा ने बताया कि सेल को बनाने के पीछे उनका मंशा है कि लोगों को उनकी शिकायत पर जल्द राहत मिले। लोग थाने में शिकायत करते हैं, इसमें कई मामलों में कार्यवाही नहीं हो पाती। इसके साथ ही कई बार विभाग से भी लोगों की शिकायतें रहती हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, रिश्वत जैसी बातें शामिल होती हैं। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता या पीड़ित को कैसे न्याय मिले, इसके लिए यह सेल बनाया गया है। इस स्पेशल सेल में वर्तमान में 4 SI लेवल के अधिकारी होंगे। SP ने बताया कि शिकायत के बाद उनकी स्पेशल सेल की टीम मामले की सच्चाई जानने के लिए मौके पर जाएगी। इसके बाद सच्चाई का पता लगाकर संबंधित थाने में कार्रवाई के लिए मामला आगे बढ़ाया जाएगा। शिकायत सेल में जांचकर्ता अधिकारी SI और हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को लेकर के बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे आमतौर पर जो कई सारे शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं और शिकायत प्रस्तुत करते हैं, तो हम शिकायत को जांच करवाने के लिए थाना स्तर पर SDOP कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट SP के पास भेजते हैं। कई बार शिकायतें गंभीरता के हिसाब से त्वरित समय में जांच होकर प्राप्त नहीं होती हैं, जिस कारण जो पीड़ित होते हैं, जो प्रार्थी होते हैं, उनको दिक्कत होती है और असंतुष्ट होते हैं पुलिस कार्रवाई से। इसको देखते हुए बनाया गया है और सीधे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों के पर्यवेक्षण में काम करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के वचन पत्र की अर्थी बनाकर एक विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भजयुमो का आरोप है कि कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भजयुमो ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को भुला दिया है। कांग्रेस वचन पत्र में किए गए वादे नहीं निभा रही। प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, लेकिन सरकार अब मुकर गई है। युवाओं को ना ही रोजगार मिल रहा है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। भजयुमो ने कांग्रेस के वचन पत्र की अर्थी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भजयुमो ने सरकार से मांग की है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे प्रदर्शन में शामिल रहे। पुलिस ने अवैध गांजे की एक खेप बरामद की है। गांजा तस्कर ट्रक से बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान करीब 378 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंदाजन लगभग 40 लाख बताई जा रही है। दंतेवाड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ट्रक से गांजे की एक मोटी खेप लेकर जा रहा था। पुलिस ने बाईपास रोड पर ट्रक से करीब 40 लाख का गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक सुकमा से जगदलपुर की ओर जा रहा था। इस बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग पोस्ट लगाकर ट्रक को रोक लिया और चेकिंग की। वाहन की चेकिंग के दौरान ट्रक से 42 पैकेट करीब 378 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी वाहन चालक उपेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वाहन चालक से पूछताछ कर रही है। खेलते वक्त बच्चे की दूसरे बच्चे ने फोटो खींच ली तो दादी को नागवार गुजरा। बात थाने तक पहुंची, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर घर भेज दिया, मगर दादी शांत नहीं हुई और बड़े लड़के से पड़ोसी पर चाकू से हमला करवा दिया। जबलपुर के बेलगांव थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे, इस दौरान एक बच्चे ने खेल खेल में दूसरे बच्चे की फोटो खींच ली, जिसकी भनक
दूसरे बच्चे की दादी को लग गई, जिसके चलते मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर सुलह करवा दी, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि एक बच्चे की दादी ने अपने बड़े लड़के को बोलकर पड़ोस में रहने वाले अनिल कोरी के ऊपर चाकू से हमला करवा दिया। वहीं पड़ोसी का कहना है कि आए दिन पड़ोस में रहने वाली दादी अपने बच्चों को बहला फुसला कर पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशान करती है। पुलिस ने मामला कायम कर एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। रात जब ये बच्चे को मोबाइल में फोटो खींच लिए थे, तो मेरे बच्चे के मोबाइल में से बच्चे मोहल्ले के बड़े थे, तो उसके बच्चे का कैमरा में वो खींच लिया था। तो उसकी माँ ने, दादी ने थाने में रिपोर्ट डाल दी। आठ बच्चों को नाम मोहल्ले के सबके माता पिता गए थे। इसके बाद पुलिस वाले लोगों ने समझौता कर लिया, उसकी माफ़ी अभी मांग के बात ख़त्म कर दिए। अब वहाँ से मैं सब्जी वब्जी लेके आ रहा था, पीछे से तीन चार चक्कू मारा। तीन भाई थे, लोग अज्जू था, कमल था और गुलाब था। बेलबाग थाना अंतर्गत बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेल के दौरान आपसी विवाद से एक व्यक्ति को चोट आई है, पाँव में उसके चक्कू लगा है। तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एक व्यक्ति को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही मामले की विवेचना पूर्ण कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बात अब वीडियो वायरल की। यूं तो डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम कराने के लिए रुपए मांगते नजर आ रहा है। डॉक्टर के इस करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिन पहले पांडेपुरवा गाँव के लड़कू राजक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। जब मृतक के परिजन पोस्टमार्टम कराने अस्पताल पहुंचे, तो वहां जो हुआ वे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर लखन सिंह ने मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम करने के लिए रुपए मांगे। वायरल वीडियो में डॉक्टर साहब साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये काम प्राइवेट लड़के करते हैं, इन्हें रुपए लगेंगे, तुम चाहे जहां से भी लाओ। इसके बाद डॉक्टर साहब यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, शासन से तुम्हें एक रुपया नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब की इस हरकत का वीडियो किसी ने शूट करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्होंने 600 रुपए दिए, तब जाकर मृतक का पीएम हुआ। वही मामला संज्ञान में आने के बाद सक्षम अधिकारी से जांच कराने की बात कही जा रही है। ये नहीं भाई, कुछ नहीं चलता, हम लोग प्राइवेट लड़के हैं, मैंने पहले बोल दिया था तुम लोगों को। तुम कर लोगे ये वाला काम? तुमको पैसे दो जहाँ, डॉक्टर साहब ने हमसे 600 रुपए लिए जब पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद में हम लेके चले आए, पिताजी के पास था, उन्होंने दे दिए 600 रुपए जब कहीं पोस्टमार्टम हुआ। अभी आप वीडियो आपके द्वारा दिखाया गया है, इस वीडियो की मैं जांच करा के देखता हूँ, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम वीडियो जांच करा के देखते हैं इसमें क्या क्या सही सच्चाई है और कैसा क्या है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. देख रहे हैं दखल न्यूज़।